यार हमने किसी का क्या बिगाड़ा था यार, ना हमने किसी का कुछ किया। और अमित भाई आपको पता है यार, उन्होंने आज तक किसी छोटे से छोटे जीव को भी कभी परेशान नहीं किया ना, हमेशा मतलब एक अपना काम, लोगों की हेल्प करना, क्या बताऊं गाइस। जस्ट आपको जाके भी कुछ नहीं कर, जस्ट आपको इन्फॉर्म करना है भाई, जितनी भी आप दुआ कर सकते हो भगवान से उतनी दुआ करो यार। अमित भाई को अभी कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उनको स्नैक बाइट हुआ है और भाई खून देख के मतलब हमारी हालत तो बिल्कुल खराब हो चुकी है यार। 2.5 मिलियन आए, इतने सांप बचाए यार हमने, इतने रेस्क्यू किए और पता नहीं था कि कभी हमारे साथ ऐसा होगा। अभी वो हॉस्पिटल में है, बाकी लोग उनके साथ हैं और हम लोग जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं भाई, आप जितनी दुआ कर सकते हो, जितनी दुआ कर सकते हो उतनी दुआ करो, दुआ करो कि वो जल्द से ठीक हो जाए, जल्द से यार वापस से आए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमें बहुत ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है क्योंकि अभी रात के बज गए हैं 10:45, इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे क्रेजी XYZ अमित कुमार को सांप ने काट लिया है, वो भी कोबरा स्नेक ने। बहुत ही ख़तरनाक जहरीला सांप है, उनको अभी एक छोटी सी वीडियो क्लिप के जरिए मुझे पता चला है। बस हम लोग उनके लिए यही दुआ कर सकते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। उनके लिए जो इंजेक्शन लगता है कोबरा वाला, वो तो लग गया है। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप भी उनके लिए दुआ करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर उनके हैं, हर वीडियो लगभग 25 से 30 लाख व्यूज आते हैं। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं वो, गरीब आदमियों की हेल्प करते हैं। बस आपसे हमें यही रिक्वेस्ट है उनके लिए कि वो, आप सभी लोग एक वीडियो बनाकर उनके लिए प्रार्थना करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अच्छे इंसान की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और हमारी YouTube फैमिली को हम लोगों का सपोर्ट ही सब कुछ मिलता है। बस उनके जो साथी थे उनसे हमारी बात तो नहीं हो पाई, पर पता चला है कि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। हम लोगों का सपोर्ट चाहिए, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, भगवान से दुआ कीजिए जल्दी वो ठीक हो जाए। सो आप वो क्लिप देखिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ ऐसे व्यक्ति जो हम लोगों के बीच रहते हुए भी दूरी महसूस नहीं होती है कितने दूर हैं या पास हैं, उनका प्यार सभी के लिए बराबर होता है, गरीबों की हेल्प करते हैं। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी से ठीक हो जाए। हमारे अमित भाई उनके पास जो भी जाता है